हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सीकर समाचार में आपका स्वागत है। सीकर के रिंगस पुलिस थाना क्षेत्र के NH 52 पर स्थित SKS औद्योगिक क्षेत्र के परसारामपुरा सरगोट के पास खाटू श्याम श्रद्धालु से भरी बस पलटने का बड़ा ही मामला देखने को मिला है। दरअसल पुलिस ने बताया कि गाजियाबाद और नोएडा से बस में सवार होकर करीब 2 दर्जन श्रद्धालु खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रहे थे, जो एक ही परिवार के सदस्य और रिश्तेदार थे। रिको मोड पर बने कट में अचानक आई कार को बचाने के प्रयास में बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 17 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से ओम प्रकाश श्रद्धालु को जयपुर रेफर कर दिया गया है। बस के पलटने की आवाज सुनकर और श्रद्धालुओं की आवाज सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे और निजी वाहनों से CSC में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर पुलिस थाने के ASI रघुवीर प्रसाद जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को CSC में भेजने के बाद क्षतिग्रस्त वाहनों को साइड में करवाकर यातायात को सुचारू करवाया। वहीं इस घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया है। सो दोस्तों, ऐसी खबरें दिखाना आपको विचलित करना नहीं बल्कि सचेत करना है, ताकि समाज में घटने वाली घटनाओं से बचा जा सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।